किया और मुझे उम्मीद है आइंदा भी जब ऐसे प्रोग्राम होंगे कोई भी प्रोग्राम खाली बेमानी नहीं होता है जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स संगीत में एक कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया था जिसमें जो मकामी तौर एक लाल दैद फाउंडेशन है उसने और यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल ने इसका एहतमाम किया था बाहर इश्तराक से। ये असल में सूफियाना तालीमात की जो अहमियत और हिफाजियत है इसके हवाले से यहाँ मुनक़द की गई थी। आपको मालूम होगा कि कश्मीर में जो यहाँ रहा है यह हमेशा इल्म और रूहानियत का मरकज़ रहा है। इस्लाम से पहले भी यहाँ बुद्ध धर्म था और हिंदू धर्म था। इन तमाम अदवार में यहाँ रूहानियत का राज रहा है, हिंदू दौर में भी, बुद्ध दौर में भी, और ख़ासकर जब यहाँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शाह के वक़्त से यहाँ इस्लाम का आगाज़ हुआ। वो खुद एक सहरावी सिलसिले की सूफ़ी थी और उन्होंने यहाँ इस्लाम की तालीमात का प्रचार किया और इसी सिलसिले को बाद में जो यहाँ सूफियाई कराम आए जिनके सुखैर हज़रत सैयद अमीर कबीर अली हमदानी थे, उनके जो सात सौ के करीब सादात करीम आए थे और उसके बाद के अदवार में यहाँ जो रेशियाँ रहे थे जिनकी क़यादत हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी कर रही थी। कहा जाता है कि हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी के दौर में 360 ऋषि यहाँ थे, बल्कि तारीख में यहाँ तक तज़किरा है कि यह रूहानियत इतना बहुत बड़ा मरकज़ रहा है कश्मीर कि यहाँ जो ऋषि रहे हैं उनकी जो असल तदाद है हिंदू धर्म या बुद्ध धर्म और इस्लामी अदवार तमाम पर मुश्तमिल है वो 2,50,000 के करीब है। यानी ये मुल्क जो है, ये जो खिता है, इंडियन आर्मी का ताल्लुक का काम है, दिफा का काम, और ये अपना काम निभा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर्स हों या इंटरनल सिक्योरिटी हो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, सैलाबी सूरत हाल होती है या कभी वो हवाई सूरत हंगामी सूरत हाल बनती है, उस वक्त यहाँ की इंतजामिया का साथ देती है और लोगों की कोशिश करती है कि उनकी राह आसानी के काम में भी काम कहने में भी हाथ बटाए। जहाँ तक इनके इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का ताल्लुक है, मसलन स्कूल्स में ड्रग एडिक्शन के हवाले से या एनवायरमेंटल प्रजर्वेशन के हवाले से या इसी तरीके से आज जो यहाँ कॉन्फ्रेंस थी जो म्यूचुअल हारमोनी जो है उसके हवाले से उनने ये कॉन्फ्रेंस आज का ये जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है इसमें फौज का भी हाथ है और हमारे इंस्टीट्यूशन ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया जी। हम चाहते हैं जब से मैं इस हायर सेकेंडरी में आया मैं अक्सर चाहता हूं कि प्रोग्राम होने चाहिए हायर सेकेंडरी, क्योंकि बच्चों में भी अवेयरनेस होती है और आवाम में भी अवेयरनेस होती है और उसाइज़ एक्टर भी आए। इससे पहले भी बहुत यहां प्रोग्राम हो गए, एक प्रोग्राम यहां हो गया कि मेथड्स ऑफ टीचिंग जी, जो दिल्ली से यहाँ बराह रास्त लाइव था, 2 दिन का प्रोग्राम था मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसमें यह भी बताया गया उस्तादों को, उसमें बहुत से उसाइज़ एक्टर ने और हमारे स्कूल के खसूस उसाइज़ एक्टर ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें यह पता चला कि एक ये उस्ताद को बच्चों को किस तरह पहुँचा, हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग। और उसके अलावा उसमें एक प्रोग्राम ऐसा था हैप्पी टीचर्स इन हैप्पी क्लासरूम, और एक ऐसा प्रोग्राम था ये इफेक्टिव डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव टीचर्स एंड एफिशिएंसी टीचर्स, उससे बहुत इंफॉर्मेशन मिली हमारे उसाजिज़ा इकराम ने जिन्होंने इधर इसमें हिस्सा लिया, और इसमें भी फौज ने हमारे साथ कोलाब्रेशन करके ये प्रोग्राम मुनाकिद किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी हुए जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो गई फौज की वसासत से, और हमने उसमें कोऑपरेट किया, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कोऑपरेट किया, और आज का जो प्रोग्राम था ये बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। आपने देखा होगा कि तकरीबन 100 उस्तादों ने इसमें सबसे ज़्यादा उस्ताद अकरम ने हिस्सा लिया, और जो यहाँ देखने वाले थे सबों को इन्फॉर्मेशन मिली थी पास्ट के बारे में कि हमारी जो पुरानी रवायतें थी उनको कैसे बरकरार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।